नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बांसुरी के इस नए लेसन में। और आज हम सीखने वाले हैं, जरा जरा महकता है बांसुरी पर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेसन को शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, मेरे पास सी शार्प की फ्लूट है। रेफरेंस के लिए मैंने पहले ही इसका बहुत अच्छा वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। देखिए जाइए जो नए आए हैं, और उसमें कुछ खास मेरी दिल की बातें लिखी है। दिल की बात मेरी, आपकी, सबकी, उसको देखिए, मज़ा आएगा। जो लोग नए आए हैं उनके लिए ठीक है, और जो पुराने हैं वापस देख लेना यार, वापस कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आपका साथ ही मेरा साहस है। चलो बहुत बातें हो गई, लेसन को शुरू करते हैं। मेरे पास सी शार्प की फ्लूट है। गा गा गा, फूक से काटना मत, फिंगर से हल्का सा टच करना। गा गा गा, मगरे रे सानी नी सारे सानी दा। सेकेंड लाइन, गा गा गा, मगरे रे सानी नी सारे निसा धा। फर्स्ट लाइन में सानी धा था, सेकेंड लाइन में निसा धा था। उसके बाद ध सा 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 रे 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 ग प ध नी ध प म ग म ग रे ग रे ग म रे सा नी। समझ में आया? कोशिश करना कि ये पूरा कंटिन्यूस फूक में हो, बिना फूक को तोड़े। कोई सुर रिपीट भी कर रहे हो तो फिंगर से करना, सिखा दिया है मैंने, ठीक है ना। अभी इसको प्रैक्टिस कर करके और मीठा करना, और जितना हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होते जाएगा ये। और खुद भी दिमाग लगाना कि इसको कैसे और मीठा कर सकते हैं, कहाँ फूक काटे, क्या फूक काटने की जरूरत है कि नहीं है, है ना। अब सॉन्ग सीखता है। निसा निसा सा निसा रे निसा सा निसा रे निसा नी नी ग रे ग सा नी। वापिस रिपीट करता हूँ। निसा निसा सा निसा रे निसा सा निसा रे निसा नी नी ग रे ग सा नी। सेकेंड लाइन, नी निसा निसा सा निसा रे निसा सा निसा रे निसा ध ध ध नी ध ध सा निसा नी ध प ध ध ध सा निसा नी ध प ध ध पे रुक जाना ठीक है। और वापस ये दो लाइन रिपीट करनी है हायर ऑक्टेव में, तेज फूक के साथ, उस तीखी आवाज के साथ। क्यों कर रहे हैं? अगर हम सेम में करेंगे तो जो आगे वाली लाइन्स है फिर हम वो उसके लिए हमको प्रॉपर सुर नहीं मिल पाएंगे नीचे, है ना। तो सेम चीज रिपीट करना ऊपर वाले सुर के साथ। फिर ध ध सा नि प प नि ध म म प म ग नी नि सा नि ध ध सा नि प प नि ध म म प म ग नी सा नि ध ठीक है। और फिर शायद से गाने के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में धुन सी थी वापस इसको रिपीट करते हैं। अब उसके बाद एक पैराग्राफ आता है। तो ध सा रे ग रे ग रे ग रे ग सा नी
नीरे रे गरे साध निसाद, मैं चेक कर लेता हूँ। नीरे रे गस नीरे रे गसा सनी सद, हाँ धसा रे गरे 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 गसानी, नीरे रे गसा सनी सद नीरे रे गसानी नीरे गमगर। अब जो धसा है उसको, जो धा है उसको सा से लेना तो इफेक्ट आएगा। सध सध धसा रे गरे 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 गसानी, रा 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 रा। नोट्स बता दिए हैं, खुद सॉन्ग को सुनना, उसके हिसाब से इसको मैच करना रिदम के अंदर, पर नोट्स यही रहेंगे, ठीक है। फिर इस लाइन को दो बार रिपीट करना, वापस रिपीट करना, फिर तां तारा रा 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 रा, तो ग प प ग ग, सॉरी सॉरी सॉरी, ग ध ध ग ग, हाँ ग ध ध ग ग ग नी नी ग ग ग ग सा सा रे नी ध प ध ग ग ग ध ध ग ग ग प प रे 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 मा ग रे सा नी, रे रे मा ग रे सा नी। वापिस रिपीट करता हूँ, ग ध ध ग ग ग नी नी ग ग ग ग सा सा रे नी ध प ध प ग ध ध ग ग ग प रे रे ग प प रे 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 मा ग रे सा नी। जरा जरा फिर वो रिपीट करना है, मैं है कहता है। अब इसके एक बीच की धुन आती है फ्लूट की, फ्लूट की भी आती है, उसमें वोकल्स भी आते हैं, फिर मैंडोलिन भी आता है। चलो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, बहुत प्यारी धुन है, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट। हाँ क्या कंपोज किया है, क्या है ग म प ध प ध नी सरे सनी ध प ध नी सरे सनी ध सरे सनी ध, है ना सरे सनी ध। वापिस रिपीट करता हूँ, ग म प ध प ध नी सरे सनी ध प ध नी सरे सनी ध प ध प ध नी प ध प म ग प ध प म ग, तो ग म प ध प ध नी सरे सनी ध प ध नी सरे सनी ध प ध नी प ध प म ग। इसको दो बार रिपीट करना, फिर सा सा नी नी ध ध प प म म म सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा। सारे ग, वापिस रिपीट करता हूँ, सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सारे ग। और इस लाइन को भी दो बार रिपीट करना, ठीक है, सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सारे ग। उसके बाद सा ध नी ध प म सा ध नी ध प ग रे म म ग ग रे रे सा रे ग सा ध
नेधपगरे मम गग म मम गगरे रे सग सेकेंड लाइन सा ग सा ध नि स रे नि प म ग नि स रे नि प म ग स स नि नि ध ध प ध तो ध को खींचना है ऐसे ध और फिर वापस उसके अंतरे को रिपीट करना है तारा रा 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 रा। तो दोस्तों ये मुझे जहां तक सॉन्ग याद आ रहा है मैंने आपको सिखा दिया है। अब ये तो बेसिक नोट्स थे, इनको बढ़िया प्रैक्टिस करना और फिर सॉन्ग को सुनना, खूब बार सुनना, क्योंकि सॉन्ग की बारीकी में किस शब्द को कितना खींचा है, कहाँ रोका है सांस को, वो देख के सीखना है ना, और फिर बढ़िया प्रैक्टिस करना। और अगर आपको इसके नोटेशन चाहिए तो मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं। वैसे मैं नहीं चाहता कि आप नोटेशन सीखो, नोटेशन के आदि पढ़ो, नोटेशन के आदि मत पढ़ो, मतलब उसकी आदत मत डालो, नोटेशंस की कभी आदत नहीं डालनी चाहिए। इसलिए मैं अपने वीडियोस में नोटेशन नहीं डालता। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप नोटेशन नहीं डालते, तो नोटेशंस की आदत नहीं डालनी चाहिए, आपके भले के लिए करता हूँ। तो भी अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, अगर आप भूल जाते हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, तो फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, मैंने इस सॉन्ग का नोटेशंस और दूसरे सॉन्ग के भी नोटेशंस को लिख रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो जाइए सीखिए और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना, मुस्कुराहट बांटते रहना, ठीक है? मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।